भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नेमावर हत्याकांड मामले पर कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेमावर अपराधी का मनोबल बढ़ाने पहुंचे थे। सांसद प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के 5 नंबर स्थित तालाब के साफ सफाई अभियान में शामिल होने पहुंची, जहां पॉलिथीन प्रदूषण मुक्त जल के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ नेमावर अपराधी का मनोबल बढ़ाने गए थे। प्रज्ञा ठाकुर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमें अल्पसंख्यक को साधने की जरूरत नहीं है, देश में जो भी रह रहा है वो हिंदू ही है। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सनातन धर्म गौमाता तालिबानी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सनातनी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जल को पृथ्वी की जो प्रकृति है, पृथ्वी को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए ये आज का अभियान चलाया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए पूरी तरह से समर्पित हुए। आज उनकी जयंती है, हम संपूर्ण राष्ट्र को उनकी जयंती पर बधाई देते हैं। ब्राह्मण हैं, मैं उनको पूज्य मानती हूँ, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और रावण जैसे काम करे या धर्म विरोधी कार्य करे, गौ माता को अपमानित करे, धर्म को सनातन धर्म को अपमानित करे और तालिबानी शिक्षा को या तालिबानी संकेतों को भोपाल में स्थापित करने का प्रयास करे, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कर्म करने वाला ब्राह्मण, और मैं सम्मान करती हूँ उसका, मैं कभी ब्राह्मण विरोधी हो ही नहीं सकती, मैं सन्यासी हूँ। तो ये तो अनर्गल प्रलाप हैं जो ये लोग करते रहते हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा वो बिल्कुल हमारे लिए शिरोधार्य है, मान्य है और जो कहा स्वीकार है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।